गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष बंसल क्लासेस। और जैसा कि आपको पता ही है, हम साइंस का क्लास सिक्स का चैप्टर टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, आज मैं एक और वीडियो लेकर यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम स्टार्च का, प्रोटीन का और फैट का टेस्ट कैसे करें। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े हैं, जिनमें स्टार्च भी था, प्रोटीन भी था, फैट भी था, विटामिन्स भी हैं और मिनरल्स भी हैं और डाइट्री फाइबर्स भी हैं। तो हम इनमें से आज तीन चीज़ों का टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें स्टार्च और प्रोटीन का केमिकल टेस्ट है और फैट्स का केवल फिजिकल टेस्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। इससे पहले मैं आपको बता दूँ स्टार्च होता क्या है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो हमें प्लांट्स से मिलता है। स्टार्च किस किस चीज में पाया जाता है? स्टार्च इज फाउंड इन राइस, पोटैटोस एंड मेनी अदर थिंग्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेस्ट फॉर स्टार्च। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। ये फूड आइटम जिसका हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि उसमें स्टार्च है कि नहीं, ये वो फूड आइटम होता है और हम इसकी स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिए पोटैटो, पोटैटो का छोटा सा पीस ले लिया, उसे बॉइल कर लिया, उसके बाद हमने उसको टेस्ट ट्यूब में ले लिया। किस में ले लिया उसको? हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया और टेस्ट ट्यूब में लेकर हमने उसमें 2 या 3 ड्रॉप्स, यहां ध्यान दीजिएगा, जो केमिकल हम इस टेस्ट में इस्तेमाल करने जा रहे हैं स्टार्च के टेस्ट में, आप एक बात याद रखिएगा, जब आप हायर क्लासेस में भी पहुंचेंगे तब भी आपको स्टार्च के टेस्ट के लिए इस आयोडीन सॉल्यूशन का ही इस्तेमाल करना होगा। दिस आयोडीन सॉल्यूशन विल बी यूज्ड इन एवरी क्लास टू स्टार्च टू टेस्ट स्टार्च। तो हमने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने फूड आइटम लिया है उसी में हमने 2-3 ड्रॉप आयोडीन का सॉल्यूशन डाला। अब आयोडीन का सॉल्यूशन डाला, उसको हमने टेस्ट ट्यूब को शेक किया, तो अब हमने क्या देखा कि कलर ब्लू ब्लैक हो गया। क्या हो गया? कलर ब्लू ब्लैक, यानी कि जो फूड आइटम था हमारा व्हाइट हो सकता था, वो कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया है। उसका कलर कैसा हो गया है? काला नीला पड़ गया है। अगर ऐसा होता है, आपको ब्लू ब्लैक कलर नजर आता है क्या डालने पर? आयोडीन डालने पर। कौन सा कलर नजर आता है? ब्लू ब्लैक कलर नजर आता है। तो आप इस बात को मान लीजिए कि उसमें क्या प्रेजेंट है? स्टार्च उसमें प्रेजेंट है। उसमें क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। आयोडीन कौन सा कलर देता है स्टार्च के साथ? ब्लू ब्लैक कलर देता है। आई होप ये सिंपल सा टेस्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरा हम टेस्ट करने जा रहे हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपको पता है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। कैसा होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। और स्टार्च कैसा होता है? एनर्जी गिविंग फूड होता है। स्टार्च एनर्जी देता है और प्रोटीन बॉडी को बिल्डअप करता है, हमारी ग्रोथ को मेंटेन करता है। तो हम प्रोटीन का टेस्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोटीन का जो फूड आइटम है जिसमें हमें प्रोटीन का पता करना है, उसका हम पेस्ट बना लेंगे या उसको हम पाउडर में पीस लेंगे, पाउडर के रूप में। तो हम उसका क्या लेंगे? या तो लेंगे पेस्ट या हम उसका लेंगे पाउडर, उस फूड आइटम का टेस्ट ट्यूब में ही लेंगे। जनरली हम टेस्ट ट्यूब में ये सारे टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में लिया। उसके बाद हमने इसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डाली। क्या डाली उसमें? 10 ड्रॉप्स वाटर की डाली। पेस्ट है, पेस्ट भी आपका थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, गाढ़ा होता है, पाउडर है तो वो तो पूरी तरह सूखा ही होता है। तो उसमें हम 10 बूंदे पानी की डालेंगे ताकि उसका क्या बन जाए? सॉल्यूशन बन जाए। अब हम उसमें क्या करेंगे, 10 ड्रॉप पानी की डालने के बाद उसको अच्छे से शेक करेंगे। उसमें 2 ड्रॉप्स हम डालेंगे कॉपर सल्फेट की। किसकी डालेंगे? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, CuSO4। आपको आगे ये याद करना होगा। तो कॉपर सल्फेट की डालेंगे, ये ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो पहले हमने क्या डाला, ध्यान रखिएगा, दो चीजें इसमें, अभी हमने दो चीजें डाली हैं। पहले हमने डाली है 10 ड्रॉप वाटर की, उसके बाद हमने डाला है 2 बूंदें कॉपर सल्फेट की। अभी एक चीज और डालेंगे, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालने के बाद अब हम उसमें 10 ड्रॉप्स, कितनी ड्रॉप्स? 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा। किसकी डालेंगे? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं हम केमिकली? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये व्हाइट कलर का होता है, पपड़ी के रूप में, फ्लेक्स के रूप में होता है। तो कॉस्टिक सोडा का हम इसमें सॉल्यूशन डालेंगे। कितना डालेंगे? 10 बूंदे डालेंगे। कितनी डालेंगे? 10 बूंदे। अब एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डाला। सबसे पहले हमने पेस्ट लिया या पाउडर लिया, उसमें 10 बूंदे डाली पानी की। किसकी डाली? 10 बूंदे वाटर की डाली।
उसके बाद हमने क्या डाला, दो बूंदें टू ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की जो कि ब्लू कलर का होता है, उसके बाद 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की डाली। ये कॉस्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन होता है सोपी टच चिकना होता है, इसमें झाग आते हैं और ये देखने में कुछ कुछ साबुन के घोल की तरह नजर आता है। इसके बाद हमने टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक किया। अब कलर चेंज क्या होगा, अगर इस सॉल्यूशन का कलर वायोलेट कलर का आ रहा है, वायलेट कलर गहरा नीला जो होता है, वायलेट कलर जो आता है तो हम कहेंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशन मिलकर प्रोटीन के साथ वायलेट कलर देते हैं। तो कौन सा कलर आता है प्रोटीन के टेस्ट में, वायलेट कलर आता है, और जबकि स्टार्च के टेस्ट में कौन सा कलर आता है, ब्लू ब्लैक कलर आता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, कौन सा कलर आता है स्टार्च के टेस्ट में, ब्लू ब्लैक कलर आता है, और प्रोटीन्स के टेस्ट में कौन सा कलर आता है, वायोलेट कलर आता है। अब हम करते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। इसके लिए कोई केमिकल टेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, एक छोटा सा फिजिकल टेस्ट है। वो क्या है, इसके लिए आपने क्या किया, जो भी फूड आइटम जिसमें आप फैट का टेस्ट करना चाह रहे हैं वो आपने लिया, उसको आपने एक पेपर का पीस लिया, पेपर में उसको रखा, पेपर को फोल्ड किया और उसको अच्छे से पीसा। आपको उसने क्या किया, आपने उसको क्रश किया, क्या किया आपने उसको क्रश किया, यानी कि कुचल दिया या पीस दिया। अब क्या करा आपने, आपने पेपर को लिया और उसको खोला, और पेपर को खोलने के बाद आपने उसका जो भी अंदर प्रोटीन फैट वाला मटेरियल था वो बाहर कर दिया, और पेपर को आपने ध्यान से देखा, पेपर को आपने ध्यान से देखा। अब आपने क्या नोटिस किया, इफ द पेपर हैज बिकम ऑयली, अगर पेपर पे लग रहा है कि हमें कुछ ऑयल आ गया है, क्या लग रहा है, पेपर पे कुछ ऑयल आ गया है, पेपर हमारा हल्का सा चिकना हो गया है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, इसमें फैट्स अवेलेबल है, क्या है, इसमें फैट्स अवेलेबल है, यानी फैट प्रेजेंट है हमारे इस फूड आइटम में, क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। अभी हम एक चीज और चेक कर सकते हैं कि इसमें फैट ही ऑयल ही है कि नहीं है। जनरली पेपर के आर पार हमें लाइट नहीं दिखती है, लेकिन जब हम उस पेपर को होल्ड करते हैं, क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, कहां पर, अगेंस्ट लाइट, लाइट के सामने उसको हम होल्ड करते हैं, तो हमें हल्का हल्का सा नजर आता है, फेंटली, फेंटली मीन्स हमें हल्की हल्की लाइट नजर आती है थ्रू दिस पेपर, उस पेपर में से हमें हल्की हल्की लाइट नजर आती है। तो अब आप कंफर्म हो जाइए कि ये ऑयल ही था, फैट ही था, क्या था, ये ऑयल लगा है पेपर पे या फैट लगा है। इससे हमारा पेपर कैसा हो गया, इसमें आप ध्यान दें, पेपर से आपको कंप्लीटली बाहर नहीं दिखता है, आपको हल्का सा दिखता है, फेंटली दिखता है, ऐसे पेपर को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट, क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, आपके क्लास सिक्स के सिलेबस में आगे चैप्टर्स में ये आएगा। अगर ऐसा हो रहा है, ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं, पहली कंडीशन क्या, पेपर आपका ऑयली हो रहा है, वही पेपर अगर आपको लाइट के सामने रखने पर आपको थोड़ी बहुत लाइट नजर आ रही है, देन बी श्योर इट इज फैट, और इस फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। आई होप आपको ये तीनों टेस्ट समझ में आए होंगे, स्टार्च का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट और फैट्स का टेस्ट। इनको बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।